हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धोलावीरा के बारे में। ये चर्चा में है क्योंकि हाल ही में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो बात करते हैं धोलावीरा के बारे में। देखिए, 27 जुलाई 2021 को धोलावीरा को यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया है। इसे 2019-20 के जो नामांकन थे उसमें इन्हें शामिल किया गया था और अब इसे जो विश्व विरासत स्थल है वो घोषित कर दिया गया है। अगर हम धोलावीरा की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ में, और इसकी जो खोज है वो जगपति जोशी ने की थी 1967-68 में, ठीक है। और इसका जो उत्खनन है वो 1990 है से 91 में रविंद्र सिंह बिष्ट को। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा, खोज की अगर एग्जाम में पूछे तो जगपति जोशी, और जो उत्खनन है वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। इसके अगर हम स्थानीय नाम की बात करें तो इसे स्थानीय नाम जो कोटड़ा टिब्बा है उस इस नाम से इसे जाना जाता है। और ये भारत का 40वें नंबर का विश्व विरासत स्थल है। अगर हम यहाँ से प्राप्त क्या क्या यहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है और सबसे मेन जो यहाँ पर दो पॉइंट हैं जो सबसे मेन है, सबसे पहले है जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, पहले दो पॉइंट आप इसके साक्ष्य में ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती है। सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं उनमें अगर सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े स्थल की बात करें तो वो है धोलावीरा। तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पहले। तो विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती है। उसके बाद इसका जो दुर्गीकृत इलाका है वो पश्चिम की बजाय दक्षिण में स्थित है। उसके बाद सैंधव सभ्यता के सबसे बड़े आकार के लिपि वर्ण धोलावीरा से मिले हैं। यहाँ पर सैंधव लिपि के 10 अक्षर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये 10 अक्षर हैं ये सबसे बड़े आकार के, ठीक है, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कितने अक्षर यहाँ से प्राप्त हुए हैं तो वो 10 अक्षर। नेक्स्ट है पॉइंट जो है वो है कि यहाँ से जलाशय के प्रमाण मिले हैं और पत्थर पर चमकदार पॉलिश के पाषाण, जो चमकदार पॉलिश है उसके यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। श्वेत पॉलिशदार पाषाण खंड यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जो सफ़ेद पॉलिश किए हुए पत्थर के टुकड़े यहाँ पर मिले हैं। इसके साथ ही यहाँ पर घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष भी मिले हैं। तो ये था हमारा अभी टॉपिक है, रिसेंट का टॉपिक है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है हाल ही में, इसलिए ये आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से देख के जाएँ पॉइंट। थैंक यू।